हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू क्रिकप्लेक्स मैच रिव्यू। मैच नंबर 57 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, और दोनों टीम अपना पिछला मैच हार के आ रही है। और आज फिर से हमारे स्टूडियो में द क्रिकेट एक्सपर्ट दीपक जी है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। आज खुद आप एक स्पोर्ट्स लुक में, और मैंने सुना कि सर चोटिल हो गए हैं। सर कैसा रहा मैच? यार आज ना मैं बड़े टाइम बाद खेल रहा था, तो क्या कि अब पहले जैसे रिफ्लेक्सेस तो रहे नहीं। हाँ। तो एक यॉर्कर बॉल सीधा ना टो पे लग गई। लेकिन मैच का क्या हाल रहा था? मैच जीत गए सर। आप तो मैच जीत के आ गए, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट और सनराइजर्स अपना दोनों मैच हार के आ रही है, तो आज के मैच का रुख क्या रहने वाला है? देखिए एक्चुअली क्या है, दोनों ही टीम जो चार पहले पायदान है, आई थिंक सनराइजर्स ऑलरेडी चौथे पायदान पे है और लखनऊ छठे पायदान पे है। जी, पिछले कुछ मैचेस में सनराइजर्स जिस तरह से खेल रही है, थोड़ा मोमेंटम, लैक ऑफ मोमेंटम मैं कहना चाहूँगा। जैसे पिछले मैच इन्होंने क्या है कि रन तो, हाँ, मुंबई के खिलाफ रन तो इन्होंने बोर्ड पे खड़े कर दिए थे, और फिर जब ये बॉलिंग पे आए, इन्होंने बॉलिंग बहुत ही शानदार की। पहले चार ओवर तो कोई खेल ही नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर लैक ऑफ स्ट्रेटेजी और किसको कब बॉलिंग डालनी है वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मिस हुई है। और फिर सूर्य कुमार यादव जैसे कि अपने फॉर्म में वापसी आए और उन्होंने एक तरफा कर दिया। सर अमूमन जो सनराइजर्स के कैप्टन है वो कमिंस के तरफ से ये चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन पिछले मैच में कहीं ना कहीं सूर्य कुमार को आउट करने में नाकाम रही है एसआरएच, क्या कहेंगे? वो देखिए जब ना एक्चुअली क्या है, जब सूर्य कुमार यादव पहली 5-6 डिलीवरी मैंने देखी वो खेल ही नहीं पा रहे थे। जी जी। तो उनको उस समय कंटिन्यू आई थिंक ट्राई कर लेना चाहिए था, भुवनेश्वर का एक ओवर डलवा देना चाहिए था, तो बट कहीं ना कहीं पैट कमिंग ये सोच रहे थे कि फिर बाद के लिए भी भाई वहाँ कौन डालेगा, बस ये बात है। सर दोनों टीमों की बात कर ले तो दोनों टीमें आमने सामने 3 बार आई हैं अब तक की आईपीएल इतिहास में, और कहीं ना कहीं लखनऊ का पलड़ा भारी है, तो आज के मैच का क्या? देखिए लखनऊ पिछले इनके 4 मैचेस में आई थिंक लखनऊ 3 मैच जीती है जी, और 1 मैच ही जीती है। तो आज एक्चुअली क्या है कि देखो टीम में कोई कमी नहीं है, टीम को सिर्फ एक अच्छी जीत की ज़रूरत है। जी। दोनों ही टीमें बढ़िया कर रही हैं, तभी पहले 4 पे है और पहले 6 पायदान पे हैं। जी जी। बैटिंग बढ़िया हो रही है, बॉलिंग बढ़िया हो रही है, कई बारी क्या होता है कि ड्यू फैक्टर की वजह से भी टीमें हार जाती है कि नहीं, हाँ वो ग्रिप नहीं कर पाती बॉल और बॉलिंग उस समय बेकार हो जाती है। लखनऊ का मैं कहना चाहूँगा कि पिछले मैच में जैसे लखनऊ हारी है वैसे लखनऊ को हारना नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्हीं का ग्राउंड था और भली बात ही अपने ग्राउंड को जानते हैं, बट कहीं ना कहीं बैटिंग उनकी कोलैप्स हो गई है। तो आज लेकिन जो भी पहले खेलना चाहेगा तो वो अगर बैटिंग लेके पहले खेले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर होता नहीं है। जी सर, हम टॉस पर भी बात करेंगे, हम लोग हेड टू हेड पर भी बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं सबसे पहले हम प्लेयर्स बैटल के। सर आज जो है कुछ बॉलर्स और बैट्समैन के बीच में कहीं ना कहीं जो है जुस्तजू हमें दिखने को मिलेगी, जैसे कि हम बात कर लेते हैं मोहसिन खान और ट्रेविस हेड के बीच की। देखिए वो लेफ्ट आर्म पेसर हैं, उनसे थोड़ा सा उनको दिक्कत हुई है पीछे, पहले भी जी, हाँ पहले भी दिक्कत हुई है, तो आज आपको एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको तंग करते हैं, मोहसिन खान ट्रेविस हेड को तंग करते हैं। जी सर, बात कर लेते क्लासेन की। जब हम शुरुआत में हम इस मैच प्रीव्यू में बात कर रहे थे क्लासेन की, आप भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे और इवन सर ने उसे अपने ड्रीम 11 प्रेडिक्शन में भी रखा था, लेकिन अब क्लासेन का परफॉर्मेंस धीरे धीरे घटता जा रहा है और उसका एक मेन कारण स्पिनर रहा है। मेरे हिसाब से तो ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्लासेन ऐसे बैट्समैन है मतलब वाइट बॉल क्रिकेट के कि वो कभी भी मतलब मैच को टर्न कर सकते हैं, मैच को 360 डिग्री में बदल सकते हैं। तो हालांकि वो फॉरनर्स में मेरे को सबसे बेहतरीन खिलाड़ी लगते हैं, जो कि एक स्पिनर को, किसी भी स्पिनर को सबसे बेहतरीन खेल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम मैं कहूँगा, और उनकी तरफ से मेरे को लगता नहीं कोई कमी है। सर जब पिछले मैच की बात कर लेता हूँ मैं, सनराइजर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस की, जहाँ सूर्य कुमार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन पीयूष चावला ने सनराइजर्स की तरफ से के खिलाफ 3 विकेट लिए थे। देखिए वो क्लासेन भी एक विकेट, हाँ जी वो एक्चुअली क्या कि सर देखिए पिछला मैच अभी आपने पहले तो ये देखा होगा, ये आईपीएल में जो भी पिच रिपोर्ट आ रही है रन उसके अपोजिट ही बन रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो वहाँ पे वो जो पिच कभी 200 की होती है तो वहाँ 150 बनते हैं, वो भी डिफेंड हो जाते हैं। तो क्या है कि पिच ना स्लो होती जा रही है, धीरे धीरे पीछे स्लो होती जा रही है। पीछे भी आपने देखा होगा कि स्पिनर्स को बहुत मदद थी, जिसकी वजह से पीयूष बहुत अच्छा कर पाए। जी, तो क्या आज एक रवि बिश्नोई है एलएसजी की तरफ से, क्या वो कहीं ना कहीं परेशान करेंगे एसआरएच के बैट्समैन? हाँ जी, रवि बिश्नोई जी बहुत ही बढ़िया स्पिनर हैं, और ख़ासकर जो उनका एक कॉन्टेक्स्ट क्लासिन के साथ चल रहा है,
तो क्लासिन को वो आउट कर चुके हैं जी हाँ। तो आज उनके बीच में आपको कॉन्टेस्ट मतलब खींचतानी देखने को मिलेगी। बात सनराइजर्स और एलएसजी की हो और उसमें केएल राहुल और भुवनेश्वर कुमार की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता क्रिकेट पिक्स में। अब हम बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं एलएसजी और सनराइजर्स में। सर केएल राहुल और भुवनेश्वर कुमार, देखिए जो भुवनेश्वर कुमार पिछले दो मैचेस से बॉलिंग कर रहे ना वो तो माइंड ब्लोइंग है, आउटस्टैंडिंग है। जो अच्छा उनको मदद भी मिल रही है पिच से और वैसे भी स्विंग के किंग है जी। तो आज अगर पहले वो गेंदबाजी करती है भुवनेश्वर कुमार पहले गेंदबाजी करते हैं या भुवनेश्वर कुमार पहले दो तीन ओवर में तो बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे और कहीं ना कहीं बैट्समैन कोई भी हो राहुल हो या कोई भी हो तो उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है। सर हम लगातार क्लिक प्रेस में T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। जब बात सर ने बोला कि भुवनेश्वर कुमार अभी भी स्विंग के किंग है लेकिन सर जो कॉन्ट्रैक्ट से हटाया गया BCCI के द्वारा भुवनेश्वर कुमार को, लेकिन अब भी काफ़ी लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि भुवनेश्वर कुमार अभी भी बहुत गेम बाकी है उनमें। नहीं अभी नो डाउट अभी बहुत गेम बाकी है। एक्चुअली क्या है कि देखिए अभी भुवनेश्वर कुमार ने जैसे आप अभी आप देखोगे कि पीछे कुछ मैचेस में काफ़ी अच्छा किया है हाँ जी। तो क्या है कि बीच का पीरियड उनका थोड़ा सा सही नहीं था तो क्या कि जो सेलेक्टर्स है वो सब देखते हैं कि पीछे एक साल में कितना खेले हैं कितना नहीं खेले हैं, थोड़े बीच में चोटिल भी रहे हैं जी जी बिल्कुल। तो उस वजह से थोड़ी परफॉर्मेंस पे फर्क भी पड़ा था। तो सेलेक्टर्स ने मतलब जो अभी टीम है वो भी बेटर है बिल्कुल। और वैसे भी क्रिकेट कहते हैं कि एक अनिश्चितताओं का गेम है, यहाँ जो है टीम के साथ प्लेयर्स के साथ ये चीज़ें होते रहती हैं। अब बात कर लेते सर आप पिच रिपोर्ट के बारे में कह रहे थे, ये जो मैच होने जा रहा है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहा है। तो सर अब तक के 4 मुकाबले इस स्टेडियम में हो चुके हैं और तीनों बार जो बैटिंग फर्स्ट टीम है वो जीती है, जिन्होंने पहली बैटिंग की। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे सेकंड बैट में यहाँ आप देखोगे बाकी ग्राउंड्स में ना ड्यू को बड़ा फैक्टर रहता है जी। यहाँ पे ड्यू का इतना फैक्टर नहीं होता और ना बॉलर्स को मदद कंटिन्यू मिलती रहती है जी। और पिच भी क्या है कि पहले से स्लो जाती है तो आप अगर बोर्ड पे अच्छे थोड़े रन रख दोगे तो आपको डिफेंड करना थोड़ा सा आसान होगा जी। यानी कि अच्छा स्कोर करके कहीं ना कहीं जो है डिफेंड करने में कामयाब होगी टीम्स। बात कर लेते टॉस की सर, पहले टॉस जीतकर क्या चुनना पसंद करेंगे टीम्स? जो देखिए जो हैदराबाद है ना उसका तो मोमेंटम शुरू से ही फर्स्ट बैट में बना हुआ है वो, क्योंकि वो फियरलेस अप्रोच से खेलते हैं। बाद में उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो स्ट्रेटेजी बनाने में अभी तक फेल रहे हैं तो उनको तो बैटिंग ही लेनी चाहिए। रही अगर LSG की बात, वो भी टॉस जीत के पहले बैटिंग ही लेगी क्योंकि पिच की डिमांड है ये कि अगर आप बैटिंग करोगे तो आप थोड़ा सा प्लस में रहोगे जी जी। तो सर अगर मान लीजिए कोई भी टीम पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करती है तो प्रोजेक्टेड स्कोर आपको इस मैदान में कितना नज़र आता है? देखिए पहले तो अब वही बात कह रहा हूँ ना, बार बार मैच एक ही ग्राउंड पे मैच हो रहे हैं तो पिच थोड़ी स्लो जा रही है। यही ग्राउंड था जहाँ पे 277 लगे, 200 प्लस लगे जी जी। आज भी जो अनुमानित स्कोर वैसे हम लोग देखते हैं और भी एक्सपर्ट्स, मेरे अलावा और भी एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं वो 200 प्लस बोलते हैं, बट मेरे को लगता नहीं है। मेरे को लगता है कि दैट वुड बी लाइक 170-180 तक जाएगा। सर आज आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके ड्रीम 11 प्रेडिक्शन में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे चुनना पसंद करेंगे? देखिए मैं KL राहुल को कैप्टन चुनना पसंद करूंगा और भुवनेश्वर कुमार को वाइस कैप्टन चुनना पसंद हाँ जी। तो ऑल राइट, मैच नंबर 57 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जाइंट। एक आखिरी सवाल के साथ इस प्रीव्यू को हम खत्म करेंगे। सर क्या लगता है आज का, हम एक अगर एक समराइज करें अपने व्यूअर्स के लिए तो उसका पिच रिपोर्ट, प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें या किस कौन आज बल्लेबाज या गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करने वाला है? देखिए आज बॉलर्स को नो डाउट मदद है तो आज ना आपको बॉलिंग, अगर कोई भी मैच जीते अगर वो बॉलिंग साइड से जीते ना कि बॉलर्स की वजह से मैच जीते हैं तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। सर दोनों टीम चाहेंगी कि प्लेऑफ्स को में वो कम्पीट करे और प्लेऑफ्स में पहुंचे भी, क्या लगता है दोनों में से टीमें किसके चांसेस हैं? देखिए पहली बात तो आपने सिर्फ 17 सालों में ये IPL देखा होगा जिसमें अभी तक क्यों नहीं लगा किसी पे, अभी तक किसी पे। कल राजस्थान पे लगने वाला था तो वो नहीं लगा नहीं। तो अभी तक मतलब ये तो ना अभी जो बोलते हैं ना कि क्रिकेट इज अ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, तो आज मतलब इस IPL ने ये सिद्ध कर दिया है जी। तो बड़ा ही कहना मुश्किल है कि अभी पहले 4 पायदान पे कौन जाएगी। अभी जैसे ये चौथे नंबर पे है, एक छठे नंबर पे है। अगर लखनऊ जीत जाती है तो लखनऊ अंदर हो जाती है और ये एक पायदान नीचे चली जाती है। फिर वहाँ से दिल्ली के चांसेस बन रहे हैं,
अभी मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है कि अभी मेरी ख्याल से तो आपको 2-3 मैच और लगेंगे ये थोड़ा सा जानने प्रिडिक्ट करने के लिए कि लास्ट की दो टीमें कौन सी होंगी। ऑल राइट सर, तो ये जो 2024 का आईपीएल काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभी तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि कौन सी टीम, मुंबई कमबैक कर चुकी है, आरसीबी कमबैक कर चुकी है, कहीं ना कहीं आज हम देखेंगे सनराइजर्स और एलएसजी भी कमबैक करने की कोशिश करेंगे। मैच नंबर 57 सनराइजर्स वर्सेस हैदराबाद, ये था क्रिक पिक्स का मैच प्रीव्यू। अगर आप भी कुछ प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।